हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर सिक्स सेम के टेक्सचुअल क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंटोनियो, एंटोनियो कौन है? तो एंटोनियो इज द हीरो ऑफ द प्ले, एंटोनियो नाटक का नायक है। ही इज ए वेरी फेमस मर्चेंट इन द सिटी ऑफ वेनिस इन इटली, वह इटली में वेनिस शहर का एक प्रसिद्ध व्यापारी है। ही रिमेन्स इन ग्रीफ मोस्ट ऑफ टाइम, वह अधिकतर समय दुखी रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट एंटोनियो लैंड मनी टू हिज फ्रेंड बसेनियो, एंटोनियो ने अपने मित्र बसेनियो को पैसा उधार क्यों नहीं दिया? तो क्यों नहीं दिया, एंटोनियो इज वेरी रिच मर्चेंट, एंटोनियो बहुत अमीर व्यापारी है। ही लव्स हिज फ्रेंड आल्सो, उसे अपने मित्र से भी प्यार है। बट ही इज नॉट एबल टू लैंड हिम मनी, पर वह उसे पैसा देने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि बिकॉज ऑल हिज मनी इज टाइड इन हिज शिप्स, क्योंकि उसका सारा पैसा जहाजों में फंसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नेरिसा एंड व्हाट रोल डज शी प्ले इन द टेक्स्ट, नेरिसा कौन है और उसकी नाटक में क्या भूमिका है? तो इसमें हो जाएगा, नेरिसा इज ए पोर्शिया वेटिंग वोमैन, यानी कि नेरिसा जो है वो पोर्शिया की दासी है। ठीक है, वैन पोर्शिया गोज टू एंटोनियो ट्रायल डिस्गाइज्ड एज ए लॉयर, नेरिसा एक्सकंपनीज हर डिस्गाइज्ड एज ए मेल ला क्लर्क। ठीक है, जब पोर्शिया एंटोनियो के मुकदमे में एक वकील के रूम में जाती है, तो नेरिसा उसके साथ किसके बेस में जाती है? मेल ला क्लर्क के बेस में जाती है। ठीक है, वैन पोर्शिया मैरिज बसेनियो, जब पोर्शिया बसेनियो से शादी करती है, नेरिसा ग्रेसियोनियो से शादी करती है, मतलब ये पोर्शिया के साथ साथ है, यानी कि रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, व्हाट वाज पोर्शियाज फादर विल अबाउट हर मैरिज, यानी कि पोर्शिया की शादी के बारे में उसके पिता की क्या वसीयत थी? तो क्या वसीयत थी, अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल, पोर्शिया विल मैरी द मैन हु चूज द राइट कास्केट कंटेनिंग हर पिक्चर, उसके पिता की वसीयत के अनुसार पोर्शिया उस व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके चित्र वाले सही बक्से को चुनेगा। देयर विल बी थ्री कास्केट ऑफ लेड सिल्वर एंड गोल्ड, वहाँ तीन प्रकार के जो कास्केट हैं यानी कि बक्से होंगे, लेड के, सिल्वर के एंड गोल्ड के। हर पिक्चर विल बी इन वन ऑफ देम, उसकी पिक्चर उनमें से एक में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पोर्शिया एंड नेरिसा अपीयर इन द कोर्ट अंडर डिसगाइज, यानी कि पोर्शिया और जो नेरिसा है वो अदालत में बेस बदल कर क्यों जाती है? तो क्यों जाती है, पोर्शिया एंड नेरिसा अपीयर इन द कोर्ट, ये लाइन तो आपको सेम लिख देनी है क्वेश्चन में से। फिर अंडर मेल डिसगाइज, यानी कि पुरुष वेश में जाती है। एज वीमेन वर नॉट अलाउड इन द कोर्ट रूम डोज डेज इन वेनिस, क्यों जाती है पुरुष वेश में? क्योंकि उन दिनों महिलाओं को वेनिस में अदालत में जाने की अनुमति नहीं थी। पोर्शिया वांटेड टू सेव एंटोनियोज लाइफ, पोर्शिया एंटोनियो की लाइफ बचाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, हु इज बसेनियो, बसेनियो कौन है? तो बसेनियो इज द रोमांटिक हीरो ऑफ द प्ले, बसेनियो रोमांटिक हीरो है प्ले का। ही लव्स पोर्शिया, बसेनियो चूज द राइट कास्केट एट द कॉन्टेस्ट एंड डज इज एबल टू मैरी हर, बसेनियो राइट कास्केट यानी कि सही बक्से का चुनाव कर लेता है प्रतियोगिता में और वह उसे शादी करने के लिए योग्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हु इज साइलोक, यानी कि साइलोक कौन है? तो साइलोक इज ए ज्यू, साइलोक एक यहूदी है। ही इज ए क्रूर मनीलेंडर, वह एक क्रूर साहूकार है। ही चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह बहुत ऊंचा ब्याज लेता है। ही इज एन एनिमी ऑफ एंटोनियो, वह एंटोनियो का शत्रु है यानी कि उसका दुश्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जेसिका, यानी कि जेसिका कौन है? तो जेसिका इज द डॉटर ऑफ द साइलोक, जेसिका है वो साइलोक की बेटी है। सी इज ए चार्मिंग गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। सी लव्स लोरेंजो, वह लोरेंजो से प्यार करती है। हु इज ए क्रिश्चियन, जो कि ईसाई है। सी डिसाइड्स टू रन अवे विद हिम, उसने उसके साथ भागने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज ग्रिशानो, यानी कि ग्रिशानो कौन है? तो ग्रिशानो इज ए फ्रेंड ऑफ
बेसेनियो एंड एटेनियो। गर्सेनियो जो है वो एंटोनियो और बेसेनियो का मित्र है। ही एस कंपनीज बेसेनियो टू बेलमोट, ठीक है, वह बेलमोट में जाता है बेसेनियो के साथ। गर्सोनियो लव्स नेरिसा, वहाँ वह नेरिसा से प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज लोरेंजो। लोरेंजो इज ए फ्रेंड ऑफ बेसेनियो एंड एंटोनियो। तो लोरेंजो है वो एंटोनियो और बेसेनियो का फ्रेंड है। ही लव्स साइलोक डॉटर जेसिका, वह साइलोक की डॉटर यानी कि साइलोक की बेटी जेसिका से प्यार करता है। ही लव्स हर बिकॉज सी इज स्मार्ट ब्यूटिफुल एंड लॉयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सोलेरिनो एंड सोलेनियो। हु आर सोलेनियो एंड सोलेरिनो। तो सोलेनियो एंड सोलेरिनो आर टू माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले। सोलेनियो और सोलेरिनो नाटक के दो गौण पात्र हैं। दे डू नॉट हैव ए ग्रेट रोल, उनकी भूमिका अधिक नहीं है, ठीक है। फिर है सोलेनियो एंड सोलेरिनो फंक्शन लार्जली एज कॉमेंटेटर ऑन अदर पीपल। सोलेनियो और सोलेरिनो मुख्य तौर पर अन्य लोगों पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज एंटोनियो लुक सैड इन एक्ट वन सेन वन। तो इसके आंसर में लिखेंगे यानी कि इसका क्वेश्चन का अर्थ हुआ भाई जो एक्ट वन का सीन वन है उसमें एंटोनियो उदास क्यों दिखाई दे रहा है। तो क्यों दे रहा है, व्हेन द प्ले स्टार्ट एंटोनियो इज इन ए सैड मूड। जब प्ले स्टार्ट होता है एंटोनियो सैड मूड में है, ठीक है। द प्ले बिगिंस विद हिज स्टेटमेंट, जो प्ले है नाटक उसकी शुरुआत होती है उसकी स्टेटमेंट के साथ। और क्या स्टेटमेंट है, इन सूट आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, यानी कि मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं उदास क्यों हूँ, ठीक है। ही हिमसेल्फ डजंट नो वट इज़ द कॉज ऑफ हिज सैडनेस, उसे खुद को ही मालूम नहीं है कि उसकी उदासी का कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज बेसेनियो नीड मनी फ्रॉम एंटोनियो। बेसेनियो को मनी की यानी कि पैसे की जरूरत क्यों है एंटोनियो से। तो बेसेनियो लव्स पोर्शिया, बेसेनियो पोर्शिया से लव करता है। सी लिव्स इन वेलमार्ट, वह वेलमार्ट में रहती है। ही विल गो टू वेलमार्ट एंड मैरी हर, वह वेलमार्ट जाना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। सो बेसेनियो नीड मनी फ्रॉम एंटोनियो, इसलिए बेसेनियो को जरूरत है एंटोनियो से पैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइलोक फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एंटोनियो आस्क हिम फॉर लोन, यानी कि साइलोक की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है जब एंटोनियो उससे लोन के लिए पूछता है। तो एट फर्स्ट साइलोक इज एंग्री, पहले तो साइलोक बहुत क्रोधित हो जाता है। ही टेल्स एंटोनियो डेट ही कॉल्ड हिम ए डॉग, वह कहता है एंटोनियो से कि उसने उसे कुत्ता कहकर पुकारा है। ही आस्क एंटोनियो वेदर ए डॉग कैन गिव हिम 3000 ducats, वह एंटोनियो से पूछता है कि क्या एक डॉग यानी कि एक कुत्ते के पास क्या 3000 ducats हो सकते हैं, क्या वह उसको 3000 ducats दे सकता है कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैंडर इज साइलोक, यानी कि साइलोक किस प्रकार का लैंडर है, ठीक है। तो साइलोक इज ए क्रियोल मनी लैंडर, साइलोक एक क्रियोल मनी लैंडर है। ही चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्जा देता है। ही चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। व्हेन एंटोनियो अप्रोचेज हिम फॉर लोन, जब एंटोनियो उसके पास लोन लेने के लिए पहुँचता है। ही गेट्स ए फेटल बॉन्ड साइन बाय हिम, वह उससे घातक जो बॉन्ड है उस पर साइन करवा लेता है। नेक्स्ट है हु इज पोर्शिया, यानी कि पोर्शिया कौन है। पोर्शिया इज ए रिच लेडी ऑफ बेलमोंट, पोर्शिया बेलमोंट की एक अमीर लेडी है। ही हर लवर बेसेनियो चूज द राइट कास्केट एंड दे मैरी ईच अदर, इन द ट्राइसिन सी सेव्स एंटोनियो लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन है। तो द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज द फर्स्ट शूटर, प्रिंस ऑफ मोरक्को पहला शूटर है। मार्स टू विन पोर्शिया हैंड, पोर्शिया का हाथ जीतना चाहता है। फॉर मैरिज, शादी के लिए, बाय चूजिंग द राइट कास्केट, जो उसको राइट कास्केट को चुनकर। वट ही चूज द रोंग कास्केट, पर सो की जगह आपको इन दिस वे कर लेना है, क्योंकि सो का मतलब होता है इसलिए ही, लॉजिज द कॉन्टेक्स्ट, इसलिए वह प्रतियोगिता हार जाता है। तो हमको करना है इन दिस वे, इस प्रकार से वह प्रतियोगिता हार जाता है। तो सो की जगह आपको इन दिस वे ही लॉजिज द कॉन्टेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द देयर इन द कास्केट्स, यानी कि उन बक्सों में क्या है, उन कास्केट्स में क्या
क्या है? देर आर थ्री कास्केट्स ऑफ लेड सिल्वर एंड गोल्ड इन द गोल्डन कास्केट देर इज ए सकल। गोल्डन कास्केट में एक सकल है यानी कि एक खोपड़ी है। इन द सिल्वर कास्केट देर इज ए पिक्चर ऑफ ए फूल। जो सिल्वर का कास्केट है उसमें एक मूर्ख की पिक्चर है। पोर्शिया पिक्चर इज इन द लेड कास्केट। पोर्शिया की पिक्चर जो है वो लेड वाले कास्केट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कास्केट डज द प्रिंस ऑफ मोरको चूज एंड वाई। यानी कि प्रिंस ऑफ मोरको कौन सा कास्केट चूज करते हैं और क्यों करते हैं? द प्रिंस ऑफ मोरको चूजिज द गोल्ड कास्केट। गोल्ड का कास्केट चूज करते हैं। ही चूजिज द गोल्ड कास्केट। वे गोल्ड का कास्केट चूज करते हैं क्यों? क्योंकि बिकॉज ही सेज दैट पोर्शिया इज ए जैम। पोर्शिया एक हीरा है। एंड हर पिक्चर कैन नॉट बी इन एनी थिंग लेस देन ए गोल्ड बॉक्स। और उसकी जो पिक्चर है वो और किसी में भी नहीं हो सकती गोल्ड के बॉक्स को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द प्रिंस ऑफ आर्गोन। प्रिंस ऑफ आर्गोन कौन है? द प्रिंस ऑफ आर्गोन इज वन ऑफ द सूटर वांट्स टू विन पोर्शिया हैंड फॉर मैरिज बाय चूजिंग द राइट कास्केट। आर्गन का राजकुमार पोर्शिया से शादी करने के इच्छुकों में से एक है। ठीक है, और वह पोर्शिया का हाथ जीतने के लिए शादी करने के लिए राइट कास्केट का चूज करना चाहता है। बट ही चूज द रोंग कास्केट। बट वह गलत बक्से का चुनाव कर लेता है। सो ही लॉजिज द कॉन्टेस्ट। यहाँ पे भी आपको सो की जगह इन दिस वे ही लॉजिज द कॉन्टेस्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कास्केट डज द प्रिंस ऑफ आर्गन चूज एंड वाई। आर्गन के राजकुमार कौन सा कास्केट चूज करते हैं और क्यों? द प्रिंस ऑफ आर्गन चूजिज द सिल्वर कास्केट। सिल्वर कास्केट का चूज करते हैं। ही चूजिज द सिल्वर कास्केट बिकॉज ही सेज दैट ही डिजर्व्स पोर्शिया मोस्ट आफ्टर रीडिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ द सिल्वर कास्केट। क्या मतलब हुआ? वह कहता है कि वह पोर्शिया के बहुत अधिक काबिल है। यानी कि पोर्शिया के लिए सबसे अधिक काबिल वह है। फिर क्यों कहता है वह ऐसी बात? क्योंकि जो सिल्वर कास्केट के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उसको पढ़कर वह कहता है। ठीक है, और इसलिए वह सिल्वर का कास्केट चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज पोर्शियाज रिएक्शन टू द प्रिंस ऑफ आर्गन एग्जिट। यानी कि आर्गन के राजकुमार के जाने पर पोर्शिया की क्या प्रतिक्रिया है? तो क्या प्रतिक्रिया है? एट द प्रिंस ऑफ आर्गन्स एग्जिट पोर्शिया कमेंट्स दैट अनदर मौत हैज बीन बर्नड बाय द फ्लेम। पोर्शिया कहती है कि आग ने एक और परवाने को जला दिया। शी सेज दैट सच पर्सन पोज टू बी वेरी क्लेवर वन डे ओनली प्रूव टू बी फूल्स। वह कहती है कि ऐसे लोग बहुत चलाक होने का दिखावा करते हैं। पोज टू बी वेरी क्लेवर यानी कि बहुत चलाक होने का दिखावा करते हैं। वट डे क्लेवर ओनली प्रूव टू बी फूल्स। लेकिन वे केवल मूर्ख ही साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डिस्क्राइब द सीन ऑफ जेसिका एलोपमेंट। यानी कि जेसिका के भाग जाने का दृश्य का वर्णन करें। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है बट वेल्ड डज जेसिका टेक अलोंग वाइल इलोपिंग। भागते समय जेसिका क्या दौलत ले जाती है? इन दोनों क्वेश्चनों का हमने एक आंसर करके बढ़ा दिया है, तो आंसर को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है। जेसिका लव्स लोरेंजो। जेसिका लोरेंजो से प्यार करती है। शी डिसाइड्स टू रन अवे विद हिम। वह उसके साथ भाग जाने का फैसला करती है। वाइल इलोपिंग भागते समय जेसिका टेक्स अवे ए लॉट ऑफ हर फादर्स मनी एंड ज्वेल्स। ठीक है, भागते समय जेसिका अपने पिता का बहुत सारा पैसा और जवाहरात ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज साइलोक रिएक्शन टू जेसिकाज इलोपमेंट। यानी कि जेसिका के भाग जाने पर साइलोक की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो बहन साइलोक डिस्कवर्स डिस। जब साइलोक को इस बात का पता चलता है तो ही इज मैड विद एंगर एंड ग्रीफ। वह दुख और गुस्से से पागल हो जाता है। ही इज मोर ग्रीफ स्ट्रिकन फॉर हिज मनी। वह अपने पैसों के लिए बहुत अधिक दुखी था। देन हर डॉटर्स इलोपमेंट। जबकि उसे अपनी बेटी के जो भाग जाने का था उसमें इतना दुख नहीं था, जबकि उसका जो पैसे लेकर वो चली गई थी उसमें बहुत ज़्यादा दुख था। तो ये हमारी आज 24 क्वेश्चन की वीडियो थी।
जो कि टेक्सचुअल क्वेश्चन की थी। अगर आप इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। फिर मिलेंगे ऐसी और एक वीडियो के साथ। बने रहिए सर स्टडी सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।